खड़ा तो नाटा निकल गया। अरे तो नाटा लंबा तो भगवान का प्रकृति का देन है वो, है ना। जब इसका उम्र 9 साल हो गया तो इसका नाम लिखाएगा ना स्कूल में? लिखा है, पैसा लगता है। देखिए पैसा तो उल्टा हम लोग देते हैं इसको, देंगे उल्टा देंगे हैं, पैसा क्या लेगा तो इसका। देखिए नाम लिखाइए, और अभी क्या हो रहा है ना, अभी सबका नाम जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है सबका, ऑनलाइन होगा तो इसको पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, किताब का पैसा सारा इसके खाता में आ जाएगा। खाता है खुला हुआ? अब कुछ नहीं बनाया है, नहीं था तो आपका खाता है ना आपका। हाँ तो आप जो है खाता का फोटो कॉपी हाँ लिखा दीना, उसको आप लिखाए ना पहले, आधार कार्ड बाद में बनेगा, बन जाएगा फिर। आधार कार्ड का एक लाल फॉर्म होता है ना, उसमें हम साइन मोहर करके देंगे तो आधार कार्ड इसका बन जाएगा। पहले नाम लिखाए बच्चे का। अच्छा तो कहीं ना लिखाए आपका जब मन है आप स्कूल में आ जाइए, नाम लिखा लीजिए, आज कल परसों जब भी है, जितना जल्दी लिखा लीजिए। प्रणाम, समझ गए ना। अभी तो बोला कि अच्छा ए बच्चा आ, इधर आओ, इधर आओ, तीन बच्चा है सर, इधर आओ, तीनों आओ तो यहाँ पर, तीनों आओ, इधर आओ, कौन कौन है, तीनों आ जाओ, आओ तीनों आओ ना यहाँ पर। ये और किधर, आपका घर कहाँ पर है? आइए आइए, इनके घर में आइए, तो आइए इनके घर आइए। किधर आपका घर है? ये आपका घर है ना, आप तीनों बच्चा को बुलाइए। ठीक है शांत रहो, तुम बच्चा बुलाइए सर। आओ तू खड़ा हो तो यहाँ पर, पहले यहाँ पर खड़ा हो तो यहाँ पर, यहाँ पर खड़ा हो जाओ, यहाँ पर। तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है, इसका उम्र कितना हो रहा होगा, इसका उम्र कितना है इसका? ये भतीजी है भैया। हाँ ठीक है भतीजी, ठीक है, इसका उम्र कितना है? पाँच, हाँ 5-6 साल तो एकदम हम देख रहे हैं, 5 साल हो गया इसका, तो इसका नाम क्यों नहीं लिखा है विद्यालय में इसका? भैया बताएगा हम लोग को। भैया हैं, पापा हैं, बुलाओ तो। पापा बाहर जाता है, इन लोग सब बाहर। अच्छा माँ इसकी मम्मी? हाँ मम्मी तो होगी, जा बुलाओ तो मम्मी, बुलाओ तो, बुलाओ मम्मी, बुलाओ तो, बुलाओ तो। हाँ तुम्हारा नाम क्या है बताओ, नाम बताओ पहले। रानी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 4 क्लास। 4 में। रोल नंबर कितना है? 67 है रोल नंबर, ठीक है। और माता का नाम क्या है, माँ का नाम बोलो। संगीला देवी। संगीला देवी, रंगीला, रंगीला देवी, ठीक है। पापा का नाम बोलो। लखनमान। लखनमान जी, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसका जवाब दो हमें। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए बोलो। छुट्टी दिए थे ना सर, हमको लगा छुट्टी। तो छुट्टी 1 तारीख से स्कूल खुल गया, अब आज 3 तारीख हो रहा है, स्कूल तो 1 तारीख से खुल गया, आज क्यों नहीं गया स्कूल तुम बोलो हमको। चलो ड्रेस पहनो अब स्कूल जाओ, ये तो नाम कट जाएगा तो फिर नहीं लिखाएगा फिर। अच्छा हाँ उसे तो हम बात कर लिए हैं उसे, आओ तो आओ, इधर आओ, यहाँ खड़ा हो सामने, मेरे सामने खड़ा हो। क्या नाम है बताओ? सोनम। सोनम कुमारी। माँ का नाम? रंगीला देवी। पापा का नाम? किस क्लास में पढ़ती हो तुम? पहला क्लास। पहला में पढ़ते हो, ठीक है। और रोल नंबर कितना तुम्हारा, रोल नंबर नहीं जानते हो? अच्छा ठीक है, पहला में पढ़ते हो तो आज स्कूल तुम क्यों नहीं गए? पहले सवाल तुमसे करेंगे, उसके बाद फिर आपसे सवाल करेंगे, आपसे आज स्कूल तुम क्यों नहीं गए? चलिए तो कोई नहीं बोल रही है, अब आप बताइए कि आप स्कूल क्यों नहीं भेजा इसको? देखिए अगर अगर दिल से भेजिएगा नहीं तो जाएगा स्कूल बच्चा को, समझा के बुझा के प्यार से दुलार से, है ना, सुबह में छोड़ो, वो सब तो अपना होते रहेगा, छोड़ो वो सब होते रहेगा, वो सब जीवन है। तो देखिए जीवन में हम एक बार कई बार इनसे मिले हैं, इनका सोच बहुत अच्छा था, लेकिन यार अब क्या हुआ इनको समझ ना था। पहले तो बोलते हम पढ़ाएंगे बच्चा, तो पढ़ा रहे थे बच्चा सर, पढ़ाइए, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है समझे, अपने ने कुछ किया, अपने ने कुछ किया तो कम से कम बाल बच्चा को पढ़ाइए। हम बच्चा को बहुत पढ़ा रहे थे, ये है 1 महीना से ना, जो दशहरा हो गया। नहीं सुनिए बताते, अभी जानते क्या हो रहा है, अभी जो है सबका छात्रवृत्ति पोशाक किताब के जो पैसा मिलता है ना, खाता में आता है पैसा, उसका भी नाम जा रहा है। अगर अभी अब बच्चा नहीं आएगा तो छूट जाएगा इसका, अब हाजिरी पर पैसा मिल रहा है,
हाई रेफर मिला कुछ नहीं, तो नहीं मिले तो फिर आगे नहीं मिलेगा क्या? अभी तो भेज रहे ना, अगर भेजेंगे तो मिलेगा, और नहीं भेजेंगे तो सर तो कहाँ मिला? अरे तो पहला क्लास में देखो, पहला में इसका आज इस साल एडमिशन ही हुआ है, तो अब नहीं मिलेगा इसको? हाँ, इसका पहला में एडमिशन हुआ है ना? अच्छा ठीक है, मान लेकिन पहले से नाम लिखा हुआ है और नहीं मिलता है, तो आके आके संपर्क कीजिए हमसे, सुनवाइए क्यों नहीं मिल रहा है, हम देखेंगे उसमें, बोलिएगा ना अगर क्यों पैसा नहीं आ रहा है, हम चेक करेंगे सूची को, लिस्ट को हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है। तो इस बार जो है, इस बार सबका नाम जा रहा है ना, और नहीं आएगा हाजिरी पर मिलेगा है ना, हाजिरी अगर पूरा बढ़िया से रहेगा तभी नाम जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा नाम। आप चाहते हैं कि इसको पढ़ने के लिए पैसा मिले, छात्रवृत्ति का पैसा मिले, पोशाक का पैसा मिले, तो असूल डेली भेजना पड़ेगा है ना, आप डेली भेजिएगा तभी मिलेगा, पैसा मिलेगा। अच्छा डेली भेजिएगा तो पैसा मिलेगा, पढ़ने का खर्च भी मिलेगा, जैसे किताब हो गया, पोशाक हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, और पढ़ाई भी मिलेगा, डेली जब विद्यालय जाएगा तो इसको पढ़ाई मिलेगा। सुनो बहू, सुनो है ना, अब आज विद्यालय में देखिए इतना खेल खेल का खिलौना वगैरह सब आ गया पढ़ाने के लिए, खेल खेल में पढ़ाने के लिए बहुत सारा खिलौना आया हुआ है, ठीक है ना, और खिलौना से पढ़ना सबको है, खिलौना से खेल खेल के पढ़ना है। आ तीनों मैडम देखो तो कितना से पढ़ाते हैं, तीनों मैडम बोलो हैं, पढ़ाते हैं ना, हमारे जानते हैं शिक्षा का कमी है, तो कमी को दूर करने के लिए हम शिक्षा समिति से हम तीन टीचर का मांग किए कि हमको गाँव में जो यहाँ का स्टूडेंट रह चुका है जो पढ़ने में ठीक ठाक है उसको भेजिए, उसको तो तीन शिक्षक का भी हम व्यवस्था कर दिए हैं इन लोग के लिए, पहला से पाँचवा तक के लिए। अब देखिए लड़की है, पढ़ना जरूरी है, शादी में समस्या होता है, शादी में अब खोजता है मैट्रिक पास लड़के हमको चाहिए, खोजता है ना है, तो मैट्रिक पास करेगी अगर पढ़ने में तेज निकलेगी तो अभी कुछ कर सकती है आगे। चलो अभी, चलो अभी, चलो उसमें जाओ, तुम जाओ उसमें जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, आज नहीं जाओगे फिर तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा पैसा, अभी सबका एंट्री हो रहा है, जमा पोशाक पहनो और असूल जाओ, चलो तैयार हो, तैयार हो।